अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही नए तरीके का टोस्ट। ये मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है। ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है और हेल्दी भी होता है। आप इसको बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं बना के, और ख़ुद भी सुबह या शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी मैदा। आप यहाँ पर इसके जहाँ पर बेसन भी ले सकते हैं और आटा भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी 1/3 कटोरी सूजी। सूजी आप यहाँ पे कोई सी भी ले सकते हैं, मोटी या बारीक। और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, और तीखे के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से रखें, और 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 यहाँ पे छोटी प्याज मैंने बारीक कटी हुई ली है वो डाल रही हूँ, और 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, और 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसके साथ इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे और इसका एक बैटर बनाना है। बैटर को पतला नहीं करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए ये बैटर बनके तैयार है। इसको इतना ही रखना है। अब इसको साइड में रख देंगे रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने लिया है 3 ब्रेड। यहाँ पे आप फ्रेश ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, पहले का बचा ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने वाइट ब्रेड लिया है। आप यहाँ पे ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो अब 10 मिनट हो चुका है। अब मैं बैटर इस पे लगा दे रही हूँ। सूजी को फूलने के लिए मैंने रेस्ट पे रखा था। आप ये बैटर शाम में भी बना के रख सकते हैं, उसके बाद सुबह में अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 ब्रेड पे बैटर लगा लिया है। इसको इस तरह से बना के रख लें, उसके बाद एक साथ इसको फ्राई करें। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन लिया है, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर ले रही हूँ। आप इसके यहाँ पर घी या बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये गरम हो चुका है। अब इस पे हम ये बैटर जो हमने लगाया था वो वाला ब्रेड रखेंगे, और इसके ऊपर से भी जो हमने सूजी का बैटर बनाया है वो अच्छे से फैला देंगे, लगा देंगे। देखिए इस तरह से दोनों ब्रेड पे लगाना है। तो अभी देखिए इसको मैंने लगा दिया है, और अब मैं इसको पलटूंगी। ये देखिए पकना स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही इसको पलटते हुए अच्छे से 2 से 3 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पे। इसको दोनों तरफ से पलटते हुए मैंने अच्छे तरीके से सेक लिया है। ये बनके तैयार है। अब ऐसे ही जितने भी टोस्ट आपको तैयार करने हो आप तैयार कर लें। तो मेरी ये रेसिपी बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा। अगर ना पसंद आई होगी तो डिसलाइक भी करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।